नमस्कार, जेएमडी न्यूज में आपका स्वागत है। वकील पुलिस विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आम बादकारी पूछ रहा है कि मेरा कसूर क्या है, मुझे क्यों दंड दिया जा रहा है, मेरी परेशानी क्यों नहीं हल हो पा रही है और इसका वास्तव में हल क्या है, क्यों ऐसे वारदातें हो रही हैं। आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में हैं उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के को चेयरमैन अंकज मिश्र जी। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अंकज जी, सुना कल फिर आप हड़ताल पे जा रहे हैं, ये क्या मामला है? नहीं, कल की हड़ताल तो कल जा नहीं रहे हैं, कल तो पूर्व घोषित हड़ताल थी जी। काउंसिल कभी भी प्रदेश स्तर पर कोई हड़ताल बुलाती है तो उसकी 3 से 4 दिन की नोटिस होती है, तो उस नोटिस के तहत हमने 4 तारीख को ही नोटिस कर दी थी कि 8 तारीख को स्ट्राइक रहेगी पूरे प्रदेश भर में, और वो प्रकरण दिल्ली से संबंधित था और इसी कारण काउंसिल के चेयरमैन ने और हम लोगों ने बैठ के फैसला लिया कि एक दिवसीय विरोध स्वरूप दिल्ली प्रकरण पे 8 तारीख को स्ट्राइक रहेगी, इसलिए कल स्ट्राइक है। लेकिन आपके जो बार काउंसिल जो इंडिया के अध्यक्ष हैं मनन मिश्रा जी, उन्होंने तो ये कह दिया है सीधे कि हड़ताल को ख़त्म करें वकील, नंबर एक। नंबर दो, उन्होंने भी कहा कि हिंसा में किसी भी कदम का समर्थन नहीं किया जा सकता। तीसरा, उन्होंने भी कह दिया जो दोषी लोग होंगे उन्हें दंडित किया जाएगा। एक ओर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ये कह रही है और दूसरी ओर आप ही हड़ताल पे जा रहे हैं, ये कैसा रूप है? नहीं, ऐसा है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो पत्र है जी, मुझे ऐसा लगता है कि उसको ठीक से देखा नहीं गया। उसकी विषय वस्तु ये थी कि जब दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली के पुलिस वकील विवाद पर स्वतः संज्ञान लेते हुए जो भी कार्रवाई की, तो उस आधार पर ये कहा गया, ऑल इंडिया में ये फैक्स मैसेज सारी काउंसिल्स को दिए गए कि फर्दर जो मांगे मान ली गई हैं उस पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया संज्ञान ले रही है और दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश महोदय द्वारा उस पर कार्रवाई कर दी गई है, लिहाजा इस पर कार्रवाई न की जाए आगे। लेकिन अब उस घटना के बाद आप ये देखें कि अभी पिछले परसों की ही बात है कि दिल्ली में पूरी दिल्ली पुलिस इस तरीके से न्याय की भीख मांग रही है और वकीलों को जो शब्दों के साथ जो अपमानित किया जा रहा है, तो वो विरोध कहीं ना कहीं प्रकट होगा। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया आज ही मुझे प्रत्यावेदन दिया है कानपुर के वकीलों ने कि क्यों नहीं प्रेस काउंसिल जो इंडिया प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है आपकी, उस पर क्यों ना इन मीडिया वालों के विरुद्ध अपशब्द कहने पर डिफेमेशन की नोटिस जारी कराई जाए। तो ये तो एक पुलिस देखिए सरकारी नौकर है, इस बात को आम जनता को समझना चाहिए कि पुलिस सरकारी नौकर है, सरकारी तंत्र का एक भाग है और अधिवक्ता स्वयमेव है, वो उसको संवैधानिक अधिकार प्राप्त है एडवोकेट एक्ट से, गवर्नमेंट के अधीनस्थ नहीं है बल्कि गवर्नमेंट की सहायता करते हैं, न्यायपालिका का एक बड़ा भाग है। और आप ये देखें कि पिछले दिनों जो मीडिया में आई कि वकील गुंडे काला कोट पहन के गुंडा ही कर रहे हैं, तो हमें ये बताएं, यही मीडिया बताए कि पुलिस वाले खाकी पहन के क्या कर रहे हैं, 10 रुपए की वसूली से लेके लाखों करोड़ों रुपए जो डकार रही है पुलिस, तो भ्रष्टाचार का बीज तो पुलिस का बोया हुआ है, वही न्याय की भीख मांग रहे हैं। तो हड़ताल विरोध के लिए होती है और हमारे यहाँ भी अगर कुछ अधिवक्ता साथी उग्र स्वभाव के हैं या क्रोधवश ऐसा हो जाता है, लेकिन उद्देश्य ये नहीं है किसी को चोट पहुँचाना। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो भी सर्वमान्य निर्णय लेगी उसको हम लोग नीचे तक सर्कुलेट करके उस पर वर्क करेंगे। लेकिन एक बात यह है कि आपने बहुत अच्छी बात की कि दिल्ली हाई कोर्ट ने संज्ञान भी ले लिया, लेकिन उसके बावजूद दूसरे दिन ही तीसरे दिन ही वकील फिर हड़ताल पर आ गए
साकेत कोर्ट में किया, रोनी कोर्ट में किया, और फिर जो सिपाही दिखे उन पर हमला किया। परिणाम स्वरूप पुलिस वालों को प्रदर्शन पर उतारू होना पड़ा। और शायद आप कुछ फुटेज इसमें देख रहे होंगे, इस बारे में भी जरा थोड़ी आपकी प्रतिक्रिया हम जानना चाहते हैं। देखिए, प्रतिक्रिया बिल्कुल है जी। और ये जो आपने एक चीज ये देखी होगी इस प्रकरण पर जी, कि कहीं पर भी दिल्ली प्रशासन ने पुलिस, क्योंकि दिल्ली का पुलिस प्रशासन गृह मंत्रालय के अधीन है जी, तो जब दिल्ली का पुलिस प्रशासन गृह मंत्रालय के अधीन है और जिस अधिवक्ता को सीधे सीधे गोली लगी, ये जो बात की बीसीआई के निर्देश के बाद जो बाद में दिल्ली में स्ट्राइक चल रही है, वो उनकी वहाँ की व्यक्तिगत ये मांग है कि जिस व्यक्ति ने गोली मारी, जिस पुलिस सब इंस्पेक्टर ने गोली मारी, वो चिन्हित है, आप वो सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखा रहे हैं, आप उसको सामने लाकर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो परिवार के किसी साथी की जान पे बनाई है, वो जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, तो ये जो फुटेज है ये निश्चित रूप से आक्रोश का प्रतीक है। ये रोज पुलिस आती है कचहरी में, रोज झगड़ा होता है, कभी पुलिस अपना काम करती, वकील अपना काम करते हैं, वो एक आक्रोश का विषय है। और आक्रोश तो फिर बदल जाता है क्रोध में, और क्रोध बदल जाता है जो घटनाएं आप देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो वकील साहब मारते पीटते दिख रहे हैं या वो वकील ही हैं, इसको भी तो चिन्हित करना पड़ेगा ना। तो पुलिस तो दिख रही है, पुलिस है, तो इसके पीछे व्यक्तिगत कारण है, आक्रोश है, तो इन सारी बातों को देखना पड़ेगा, लेकिन उद्देश्य ये नहीं है जो ये माना जा रहा है। लेकिन मेरा सीधा सीधा मतलब ये कि जब आपका मुकदमा भी 307 में कायम हो गया, कार्रवाई करने के आदेश भी हो गए, कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी हो गई है, तो जब ये सब कुछ हो चुका है, तब ऐसी स्थिति में तो जैसा कि आपके बार काउंसिल के अध्यक्ष मनन मिश्रा जी ने कहा कि आप हड़ताल वापस ले लेना चाहिए, तब फिर क्या दिक्कत आ गई, फिर क्यों ये उग्रता है? और उसमें तो आपके इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाकायदे एक पूर्व जज को जांच के लिए नियुक्त किया, SIT की व्यक्त किया, CBI से भी कहा कि आप इनको मदद कीजिए, तो जब सब लोग एक साथ हो रहे हैं तो फिर अब कौन सा वकीलों को न्याय चाहिए? देखिए, दिल्ली के वकीलों की क्या ग्रीवियांस है जी, वो वहाँ पर जमीनी हकीकत यहाँ बैठकर बतलाना थोड़ा मुश्किल है जी, क्योंकि प्रदेश की जो व्यवस्था है, प्रदेश बार काउंसिल UP की, उसकी व्यवस्था दूसरी है, दिल्ली बार काउंसिल उसमें लगातार हस्तक्षेप कर रही है, और हमारा बार काउंसिल का एक प्रतिनिधिमंडल शीघ्र ही दिल्ली जा रहा है इस विषय पर बात करने, और संभवतः 2 से 3 दिन में इस विषय पर चर्चा हो भी जाएगी। और जो स्ट्राइक का बेसिक रूप है, देखिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया भारतीय विधिक परिषद है, सारी प्रदेश काउंसिल्स की भी मातृ संस्था है। अब विषय ये है कि जो दिल्ली में स्ट्राइक है वो जिला वकीलों द्वारा की गई है, तो जिला का जो वकील है उसका कल्चर और उच्च न्यायालय के अधिवक्ता का कल्चर और सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए अधिवक्ता के कल्चर में बड़ा फर्क है, तो उसके आक्रोश को संभालना थोड़ा सा मुश्किल है। और हम लोग इस बात की आशा करते हैं कि 2 से 3 दिन में हालात सामान्य हो जाएंगे और पुनः न्यायपालिका सुदृढ़ रूप से कार्य करेगी। आपने एक बात और की कि जो वहाँ पर पुलिस का प्रदर्शन हुआ है उस पर भी बहुत से लोगों के कमेंट आए हैं, बहुत से IFS जो है, IPS के अधिकारी थे, IAS के अधिकारी थे, उन सब ने ये कहा कि भाई किसी के उत्तरदायित्व भी होते हैं तो कुछ कर्तव्य भी होते हैं, सबका स्वाभिमान होता है, आप अगर वर्दी वालों को देख लेंगे और उन पर हमला होने लगेगा तो कैसे काम चलेगा, और लोगों ने सहानुभूति व्यक्त की है। और ये भी कहा है कि वकीलों का जो रवैया है वो निश्चित रूप से निंदनीय है, ये तक शब्द कहा गया, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, वकीलों का रवैया निंदनीय है, अगर हम इस यहाँ पर ये प्रतिक्रिया करते जी कि जो दिल्ली की घटना है, अब मेरे प्रश्न में ही आपका उत्तर छिपा हुआ है, क्या दिल्ली की ऐसी घटना पिछले कितने वर्षों में सुनी गई कि पुलिस से इस तरीके का विवाद हुआ? देखिए, पुलिस और वकील का संघर्ष नहीं है, वकील न्यायपालिका का एक भाग है और पुलिस कार्यपालिका का एक भाग है, प्रशासन की नीतियों की ये कमी की वजह से होता। आप देखिए, दिल्ली की घटना कितनी छोटी सी मामूली सी बात थी, जैसा कि पढ़ने में आया कि एक पार्किंग को लेकर कार पार्किंग, तो कार पार्किंग का झगड़ा
मान लीजिए कि अगर ब्रिटिश मानसिकता की पुलिस है, इसका मतलब हम ये मानते हैं कि ब्रिटिशर्स चले गए लेकिन पुलिस मानसिकता नहीं बदली। अगर मान लीजिए कोई अधिवक्ता भाई साथी जल्दी में है, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा अपने कई निर्णयों में कि अगर अधिवक्ता न्यायालय जा रहा है, उसे जल्दी हो रही है, तो उसकी गाड़ी तक ना चेक की जाए। क्यों? क्योंकि वो न्याय पालिका का एक भाग है और वहां लेने जा रहा है, क्या मामला हो, क्या विवाद हो, जल्दी है, जमानत है, मुकदमा है, लेकिन अब उस पर विचार नहीं किया जा रहा है। रोज तो ऐसी घटनाएं नहीं होती हैं, तो ये माना जाएगा कि वहां रोज गाड़ी पार्क नहीं होती। कोई जल्दबाजी में कोई घटना है, उस विषय पर पुलिस बहुत सामान्य तरीके से व्यवहार कर लेती, तो गाड़ी का विवाद इतना बड़ा विवाद बन जाएगा। तो ये अनुशासनहीनता है ना, अनुशासनहीनता प्रशासन की है, यानी कि प्रशासनिक तौर पर उनको ये नहीं सिखाया गया कि जो पुलिस वाला एक गाड़ी पार्किंग को लेके एक एडवोकेट से उलझ जाए और उलझने के बाद छोटी सी चिंगारी आग बनकर पूरे हिंदुस्तान को जलाए। तो ये प्रशासन की नाकामी है और उनकी दिल्ली पुलिस की अनुशासनहीनता है। अपने भ्रष्टाचार पे वो बात नहीं करते हैं, और इतनी छोटी सी बात को लेकर विवाद बनाकर, तूल बनाकर प्रदर्शन करना, तो मैं समझ रहा हूँ कि दिल्ली का गृह मंत्रालय चूक कर रहा है। दिल्ली पुलिस ही नहीं, गृह मंत्रालय की सुन रही है, तो हम लोगों की क्या सुनेगी? ठीक बात है। एक बात बताइए कि इधर कुछ वर्षों से, मैं मानता हूं शायद 2 दशक होंगे, उससे लगातार वकीलों में और पुलिस में संघर्ष होता है, जबकि कचहरी में दोनों की अनिवार्यता है। इसके बावजूद विवाद खड़े होते हैं और झगड़े होते हैं। अपने कानपुर की भी बात आप देखिए तो लगातार होता है, इसी बात भी हो गया झगड़ा जी जी तो, और कभी कभी बादकारियों से भी इस तरीके के झगड़े हो जाते हैं। सवाल केवल ये उठता है कि आखिर ये क्यों ऐसा हो रहा है? इस पर कभी आपकी बार काउंसिल ने नहीं विचार किया या बार एसोसिएशन, इस पर क्यों नहीं सोचते आखिर हो क्यों रहा है ये? देखिए, ऐसा नहीं है कि इस पर सोचा नहीं जाता, जी और प्रत्येक बार काउंसिल की मासिक बैठक पर इस पर भी चर्चा होती है। और ये देखिए, सही बात को स्वीकार करने में संकोच नहीं होना चाहिए। मेरा अपना मानना है कि जब परिवार बड़ा हो जाता है, जी और कानपुर की आपने बात कही, तो कानपुर में अधिवक्ता गणों की संख्या बहुतायत में है, लेकिन फिर ये बात नहीं माना जा सकता कि प्राय ऐसा होता है। कभी कभी ये घटनाएं कुछ व्यक्तिगत कारणों से हो जाती हैं, और पुलिस के रवैये से तो सभी वाकिफ हैं, उसको उन चरित्र बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ऐसा नहीं है कि सभी पुलिस वाले भी खराब हैं, पुलिस अपना काम करती है। पुलिस विभाग में भी कुछ अधिकारी, कुछ छोटे सिपाही, कांस्टेबल आदि, क्योंकि तो झगड़ा मैंने देखा है खुद कि कभी भी अफसर से नहीं होता है झगड़ा, हमेशा ही बहुत कोई कांस्टेबल हुआ या एसआई हुआ, कोई रूटली बोल गया, दरोगा जी हो गए। दरोगा जी हो गए, अपना दरोगाई दिखा दी उन्होंने, तो झगड़ा बढ़ गया। लेकिन कभी भी अधिवक्ता गणों का ये उद्देश्य नहीं रहा कि उनकी वजह से कि कचहरी में काम बंद हो और काम प्रभावित हो, वादकारियों को परेशानी हो। ये मैं मानता हूँ आपकी बात कि कुछ हमारे वकील भाई हैं अति आवेश में, आक्रोश में कुछ घटनाएं कभी कभी कारित कर देते हैं, तो उनके लिए मैंने पहले भी बतलाया था आपको कि उसके लिए विधिज्ञ परिषद में शिकायतें जाती हैं और हम लोग उनको डिबार करते हैं और उनको दंडित किया जाता है। और प्रयास ये रहता है कि सारा कार्य जैसा लोकतंत्र में चलना चाहिए, संवैधानिक दायरे में चले, और फिर भी अगर कोई बात विशेष होगी, कंप्लेन आएगी, तो हम लोग उसको ठीक से देखेंगे और डिवार करेंगे ऐसे वकीलों को। क्या आप ये बता सकते हैं आज की जो प्रदेश में कई जगह पर पुलिस और वकीलों में संघर्ष हुए, ऐसे कितने मामलों में बार काउंसिल ने अपने वकीलों को डिवार किया और उसमें उन्होंने क्या पाया? देखिए, प्रायः मामले पहुंचते हैं जी और इन मामलों में निश्चित रूप से जांच होती है। अभी मैंने खुद ही एक मामले में फिरोजाबाद में ऐसा पाया, तो एक अधिवक्ता को 5 वर्ष के लिए डिबार किया गया। और ऐसा नहीं है कि अधिवक्ता गण अगर अनुशासनहीनता करते हैं तो शिकायत पर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, बिल्कुल निश्चित ठोस कार्रवाई होती है। और मैंने पिछले दिनों भी मीडिया के माध्यम से कहा था और आज आपके सामने फिर इस बात को दोहरा देता हूँ कि आम जनता अगर ये महसूस करती है कि किसी अधिवक्ता से उसको कोई समस्या है और वास्तव में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है उसकी अनुशासनहीनता के कारण, जो उसको एडवोकेट एक्ट के अंतर्गत नहीं करना चाहिए था, तो उसकी शिकायत अगर वो राज्य विधिज्ञ परिषद को करेगी, तो
तो निश्चित रूप से कार्रवाई होती है, लेकिन बिना शिकायत के कंप्लेन के काउंसिल कुछ नहीं कर सकती है, ये बात माननी पड़ेगी आप नहीं। मेरा था कि ऐसे कुछ मामले आप बता सकते हैं कि जिनमें वकीलों का पुलिस का संघर्ष हुआ हो और आपने वकीलों के खिलाफ कोई कार्रवाई की हो? बिल्कुल, मैं बताता हूँ। अभी पिछले दिनों कन्नौज का जो झगड़ा चल रहा था जी, तो जिला प्रशासन से वार्ता करने के लिए मुझे ही नियुक्त किया गया था, मैं स्वयं गया था। तो मैंने वहाँ पाया कि कुछ वकील भी आवेशित हुए और कोतवाल की वजह से वो झगड़ा बढ़ा, तो डीएम महोदय से उसमें सीधे सीधे एसपी डीएम एडीएम सब सदर से वार्ता हुई, और वार्ता में मैंने कमेटी बनाई। वो कमेटी अब वर्किंग कर रही है, कमेटी वर्किंग में है, और जो भी पुलिस प्रशासन या अधिवक्तागणों का विवाद होता है वो कमेटी सुनती है। उस कमेटी में जो भी तय होगा, फिर फर्दर अगर वकील दोषी पाया गया उसमें, तो वो बार काउंसिल उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। और अगर जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन का कोई कर्मी दोषी पाया गया तो जिला प्रशासन उस पर कार्रवाई करेगा। तो इस तरीके की कमेटी बनाई है और उस पर शिकायतें वो सुन रहे हैं, अगर वो बार काउंसिल को भेजेंगे तो निश्चित रूप से उस पर ठोस कार्रवाई होगी। क्या वो स्थानीय स्तर पर कमेटी बनाएंगे? स्थानीय स्तर पर, और हम लोगों का प्रयास है कि पूरे प्रदेश में प्रत्येक जिले में इस तरीके की कमेटियां बन जाएं, जिसमें जो है पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन का एक एक व्यक्ति और एल्डर्स कमेटी के दो लोग, और जो तत्कालीन वर्तमान बार का अध्यक्ष हो वो उसका सदस्य रहे, तो पांच लोगों की कमेटी बने, तो इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। एक बात और ये जानना है, क्या ये माना जाए कि वकीलों और पुलिस के बीच ये सब कुछ ईगो का टकराव है, दोनों के अहम का, मैं पुलिस वाला मेरी वर्दी, और वकील भी कहता है मेरी भी वर्दी, और आम जन तो बेचारा कहीं भी जाएगा तो उसकी कोई सुनता नहीं है, लेकिन यहाँ पर दो शक्तियाँ ऐसी हैं जिनमें अपना ईगो है, और वही ईगो का टकराव संघर्ष के रूप में परिवर्तित हो जाता है। देखिए आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरा ये व्यक्तिगत विचार है कि पुलिस कहे कि खाकी मेरी वर्दी, ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे अपने विचार से जो पुलिस की कार्य प्रणाली है, जो मानसिकता है, वो बहुत गहरे दबाव में है, और इसको मानना पड़ेगा कि जो भी छोटे पुलिसकर्मी हैं वो अपने ऊपर के अफसरों के दबाव में रहते हैं और नेताओं के दबाव में रहते हैं, सरकार के दबाव में रहते हैं, जिसकी भी सरकार हो, और अधिवक्ता किसी के दबाव में नहीं रहता, क्योंकि अधिवक्ता स्वतंत्र है। तो पुलिस अगर दबाव में रहेगी, कार्य करेगी, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं गलती करेगी, और वो गलती खामियाजा बन के आम जनता पर भुगतना पड़ता है। अब वकील जो भी है वो अपने, वो तो आप सभी जानते हैं कि एडवोकेट जा रहा है काम करने आम जनता के लिए, उससे फीस ले रहा है, वो क्यों ऐसा उग्रतापूर्ण कार्य करेगा कि उसको अगर मुकदमे 10 दिन कचहरी बंद रहेगी, तो सबसे ज़्यादा नुकसान तो अधिवक्ता के परिवारों का है ना। तो रोज़ यहाँ तो हर तरीके का, हर तबके का वकील है, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, और उनसे भी बड़े हैं, लेकिन सामान्य तौर पर अधिवक्ता गणों के परिवार और उन वादकारियों को समस्या है, उनसे जुड़े हुए प्रत्येक रोजगार जो पाते हैं उनको समस्या है। अधिवक्ता कभी नहीं चाहता हड़ताल हो, लेकिन कभी कभी ऐसी समस्या आ जाती है कि जहाँ पे हितों का टकराव हो जाता है, और हितों के टकराव में पुलिस को ये थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि उनका अपना व्यक्तिगत हित नहीं, क्योंकि पुलिस सरकार का काम करने आ रही, सरकार मतलब जनता का काम करने आ रही है, और अधिवक्ता जनता के लिए काम कर रहा है। तो पुलिस आ रही है एक पक्ष के लिए और वो आ रहे हैं, अधिवक्ता आ रहे हैं दूसरे पक्ष के लिए, तो उनका अपना व्यक्तिगत हित नहीं है। तो दोनों ही लोगों को इस पर विचार की आवश्यकता है, और अगर खुले मन से स्वतंत्र रूप से काम करेंगे तो ऐसी घटनाएं नहीं होंगी, पुनरावृत्ति नहीं होगी। और ये भी बात ये मानी जाती है कि एक पुलिस में भी एक मानसिकता है, और उसका कारण भी आप जानते होंगे, अभी जब संघर्ष हुआ तो कई चर्चाएं हुई, लोगों ने ट्वीट किया, उनका ये कहना था कि अंततः पुलिस ही दबाई जाती है, और पुलिस मार भी खाती है, पुलिस सस्पेंड भी होती है, और पुलिस के ही खिलाफ कार्रवाई भी कर दी जाती है। इन लोगों का कहना ये है कि कुल मिलाकर के जो पुलिस में आक्रोश बढ़ता जा रहा है, उसका मूल कारण ये भी है कि उन्हें न्याय नहीं मिलता है, जैसा कि दिल्ली पुलिस के प्रदर्शन में आया और लोगों ने कहा है, यहाँ तक कि शरद पवार तक ने कहा कि ये लोग 18 घंटे काम करते हैं, बड़ी खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो जाएगी अगर ऐसे हालात आए। यही
जो खेल कूद मंत्री हैं उन्होंने भी ऐसे ही बात की कि ऐसा नहीं होना चाहिए, पुलिस वालों को भी अपने मानवाधिकार हैं, उनके भी परिवार हैं, उनको भी ध्यान रखना चाहिए। मैंने कुल मिलाकर के ये कहा जा रहा है कि पुलिस को दबा दिया जाता है और काम हो, जैसे कि इसमें भी एक चर्चा आई थी कि कानपुर में जब संघर्ष हुआ और वार एसोसिएशन ने मांग की कि हमारे मुकदमे वापस किए जाए, पुलिस ने तीसरा रास्ता निकाल लिया, आपके भी मुकदमे वापस ले लिए, उनके भी मुकदमे वापस ले लिए। दूसरी बात उन्होंने भी कर दी कि एक पुलिस वाले को किसी को उन्होंने सस्पेंड कर दिया, कहा जांच होगी। तो कहते हैं कि कुल मिला करके पिटती पुलिस ही ऐसा लोगों का मानना है और वो कह रहे हैं कि वकीलों के कारण ऐसा होता है। इस बारे में आप बताइए क्या कहना है। देखिए, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ जी। जो भी राजनेताओं के बयान आए जी, वो उनका अपना राजनीतिक विश्लेषण है, अपनी राजनीतिक पराकाष्ठा या अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए उन्होंने ऐसे बयान दिए। और जहाँ तक पुलिस के ऊपर गाज गिरती, पुलिस कोई अलग से स्वायत्त शासी संस्था नहीं है। देखिए, पुलिस पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन है और वो सरकार से तनख्वाह पाती है। ये आज तक नहीं सुनने में आया कि इस घटना के कारण इस पुलिसकर्मी को सस्पेंड या लाइन हाजिर तो किया गया, लेकिन ये बताएं कि कितने लोग टर्मिनेट किए गए। सस्पेंशन हुआ, 15 दिन बाद 20 दिन बाद बहाल आ गया। ये तो प्रशासन की चतुराई है। सरकार कोई भी हो नहीं चाहती कि किसी भी जिले में बवाल बढ़े, क्योंकि मैसेज जनता को जाना है। तो अपनी साख को बचाने के लिए माध्यम है जो फ्रंट पे होगा उसी पे गाज गिरेगी। अब वकील और पुलिस के संघर्ष की बात कर लीजिए, अगर वकील पे भी तो डेढ़, अभी देखिए पेपर में आया 150 वकीलों पे मुकदमे लिख दिए, तो मांग नाजायज नहीं थी। 150 वकीलों पर मुकदमा लिखने से पहले पुलिस प्रशासन या जिला प्रशासन उसकी जांच करा लेता। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन आपके पास, मजिस्ट्रेट आपके पास, पुलिस आपके पास, सरकारी वकील आपके पास, सारी चीजें जब आपके पास हैं तो आपने 150 वकीलों के खिलाफ लिखा दिया। तो जब नाजायज तरीके से FIR कराई जाएगी तो जायज तरीके से वो वापस ली गई, इसमें कोई एहसान नहीं किया पुलिस ने, लेकिन वो लिखा ही क्यों गई। अभी आप देखें कन्नौज के पिछले प्रकरण पे लेखपाल, वो भी तो एडमिनिस्ट्रेशन का एक पार्ट है, उन्होंने साहब 350 वकीलों के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा लिखा दिया। क्या ये संभव है? व्यावहारिक तो अब बलात्कार का मुकदमा कन्नौज में लिखा दिया गया तो पूरा कन्नौज की हर तहसील और जिला बवाल में जलने लगा। तो जिला प्रशासन ये कैसे मान लेगा प्रथम दृष्टया की गलती हमारे ही कर्मी की थी? तो धीरे 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 वो रिमूव किया जाता है DM महोदय के द्वारा, उच्च अधिकारियों के द्वारा। तो वही हाल यहाँ पे रहा, उन्होंने भी कहा भाई देखा भाई 150 वकीलों के खिलाफ नहीं किया, कराया। प्राइमा फेसाई जाता कौन है मौके पर झगड़े में? 2 कांस्टेबल, कोई SHO तो जाता नहीं है। तो जब अधिवक्ता को मान रहे हैं, कोई मतलब एक समाज का एक बड़ा वर्ग है, खास वर्ग है, पार्ट ऑफ द जुडिशरी है, कोई विवाद है तो आप छोटे से अदने से कर्मी को भेजेंगे? कम से कम SHO CO स्तर के अधिकारी अगर कानपुर की घटना में भी जाते तो ये स्थिति ना आती। तो उन्हें क्या पता, किसी के चेहरे पे तो लिखा नहीं है कि वार चेयरमैन है कि अध्यक्ष हैं कि महामंत्री हैं। तो विवाद बढ़ा, सृजन हुआ, लेकिन घटना ये नहीं मानी जा सकती कि पुलिस पर ही गाज गिरती है। वो तो वापस हो गया, जो वापस होंगे, सस्पेंशन हुआ, बहाल हो गए, ज़्यादा में ज़्यादा थाना चौकी बदल गई, तनख्वाह पा रहे हैं, लेकिन नुकसान तो अल्टीमेटली अगर 3 दिन कानपुर बंद रहा, बिल्कुल वही तो एडवोकेट्स को प्रॉब्लम हुई, उनसे जुड़े हुए लोगों को, वेंडर है बाहर चौराहे पे, चाय वाले हैं, पान वाले हैं, स्टेशनरी वाले हैं, पानी पिलाने वाले हैं, आदि आदि लोग, मुंशी हैं, छोटे तबके को असर पड़ता है। तो जिला प्रशासन से अगर इन बातों को फर्क नहीं पड़ता तो ऐसी हड़तालें होती रहेंगी। लेकिन ये भी आप देखते होंगे, अगर आपने कहा कि 350 वकीलों पर या 150 वकीलों पर मुकदमा कायम करा, तो आपके वकीलों ने भी तो पुलिस वालों पर उसी संख्या में उसी आधार पर मुकदमे कायम कराए कि इन्होंने किया, हमारे पर लाठियां चला दी, ये कर दिया। वो तो फिर काउंटर में दोनों से बातें हुई ना, वहाँ भी मॉब था और वहाँ भी मॉब था। नहीं, मॉब अगर जिला प्रशासन का कर्मी अपने को मॉब मानेगा तो ये मान लीजिए कि लोकतंत्र की हत्या हो गई उस दिन, जिस दिन पुलिस वाले अपने आप को मॉब समझकर कि हम मॉब में हैं, हमारे पास पिस्टल है, लाठी है, सरकारी तंत्र है,
तो उस दिन तो लोकतंत्र की उसी दिन हत्या हो जाएगी, फिर प्रजातंत्र किस काम का। देखिए, जितनी महत्वपूर्ण भूमिका कार्यपालिका की है, प्रशासन की है, न्यायपालिका की है, उतनी ही जिम्मेदारी भी ज़्यादा है। मैं नहीं कहता कि मैं अधिवक्ता गणों का समर्थन नहीं कर रहा, लेकिन मैं गलत बात को भी नहीं कहूँगा। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हर विभाग में, हर परिवार में कुछ अवयव हैं ऐसे, तो उसके लिए सारे लोगों को चिन्हित नहीं किया जा सकता। अभी पिछले दिनों मीडिया ने खूब जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बताया, न्यूज़ चैनल्स ने, एबीपी ने, आज तक ने, आर भारत ने, कि साहब पुलिस वाले काले कोट वाले गुंडे। मैं खुद न्यूज़ सुन रहा था, तो आप देखिए कि जिस काले कोट वाले गुंडे, आप झगड़ा एक व्यक्ति कर रहा है, वो आपने हिंदुस्तान के सारे वकीलों को जोड़ दिया। यूपी भर में 3.5 लाख वकील हैं, और कोई मीडिया वाला ये कहे कि फला झगड़े में काले, अरे आपने क्यों ये नहीं कभी कहा कि खाकी पुलिस पहनने वाले गुंडे। सुरक्षा आपके हाथ में है तो जिम्मेदारी आपकी ज्यादा है, आपको तो अपने ऑफिसर से बात करके मामले को सुलझाने का प्रयास करना लेकिन चाहिए। लेकिन यहाँ एक आपसे और एक बात कहेंगे कि पुलिस वाले तो जो कुछ है ही है उनका संघर्ष, मीडिया वाले भी तो बेचारे मार खाते हैं। देखिए उसमें आज तक के रिपोर्टर पे हुआ, आए दिन सूचना मिलती है कि मीडिया वालों को भी वकीलों ने मारा, उनके गुस्से का शिकार होते हैं। जब वो रिपोर्टिंग करने जाते हैं तो आक्रोशित हो जाते हैं वकील लोग, कैमरे तक छीनने लगते हैं, और ऐसी स्थिति में अब तो हिम्मत ही नहीं करते हैं मीडिया वाले की, जब अगर इस तरीके का वकीलों का कोई प्रदर्शन हो रहा हो या कुछ हो रहा हो तो वहाँ जा करके रिपोर्टिंग करें। देखिए ये तो मानिए जरा, मैं मान रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर यहाँ थोड़ी सी बस स्थिति दूसरी है। हाँ, भीड़ ने मारा। हाँ, भीड़ देखिए, भीड़ तो भीड़ भी, तो आप ही वकीलों के बीच नहीं, में कहाँ से लोग आ गए? भीड़ और वकीलों की भीड़ में देखिए फर्क है। कोई प्रदर्शन होता है, अगर खुले स्थान पर प्रदर्शन होता है तो अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो देखिए, आप तो जानते हैं कि मैं भी कहीं ना कहीं पत्रकारिता जगत से इसीलिए तो आपसे बात ही कर जुड़ा रहा हूं हाँ, और काम किया है, सहा है, लेकिन इसको तो हम ये कहेंगे कि पत्रकार तो स्वयं सेवी है, और जब वो तो स्वयं सेवा के माध्यम से मार्गदर्शन कर रहा है, और ये गलत है। मैं गलत बात को सही नहीं कहूंगा, बिल्कुल मैंने कहा, बिल्कुल मैंने कहा, और कोई भी इससे संबंधित पत्राचार आता रहता है, और अगर चिन्हित है, देखिए मीडिया कर्मी के साथ मारपीट व्यक्तिगत अलग बात है, लेकिन सामान्य तौर पर किसी धरना प्रदर्शन के साथ अगर कोई कवरेज करने गया है, कोई कुछ करने गया है, तो चिन्हित है, आप यकीन मानिए कि उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। असल में उसलिए करते हैं ना कि जिसे वो मारपीट कर रहे हैं, अब हम फोटो खींच रहे हैं तो जानते हैं कि इसमें हम आ जाएंगे कैमरे में, इसलिए वो मीडिया पर हमला बोलते हैं। लेकिन लेकिन आप ये देखिए कि जो मारपीट करने वाले हैं, मैं तो नाम नहीं गिना रहा हूँ, लेकिन जो मारपीट करने वाले हैं तो मारपीट करने का कारण भी तो पैदा करने वाले हैं, तो कारण के पीछे छुपा है। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, गलती आप करिए, आप मार रहे हैं, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, तो हमारी ड्यूटी पे आप हमारे पर हमला क्यों कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है, आपने कहा कि गलत है, गुस्सा है, ये गलत, और ये सब ये मैं कह रहा हूँ ना, तो ये बात सही है आपका आक्रोश, मैं आपकी बात मान ये गलत है, लेकिन मेरा एक पक्ष ये है कि आपका गुस्सा हो, आप अपना गुस्सा उतार रहे हो, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हो, और आप हमारे ऊपर हमला बोल दो, नहीं गाली गलौज करें, ये गलत है, अभद्रता करें, हमको दौड़ाए, हमारा कैमरा छीन ले, ये मेरा कहना नहीं नहीं इसमें गिने चुने गिनतियों पे 2-4 ऐसे आक्रोशित भाई साथी हो सकते हैं, लेकिन वो भीड़ का हिस्सा नहीं है। आप कभी भी देखिए, इतने इतने बड़े धरना प्रदर्शन हुए, आप लोगों ने कवरेज किया, वो जब घटनाएं तब होती हैं कि जब दो तरफ से झगड़ा हो रहा हो और वो कवरेज हो रही हाँ, हो, वही वही तो उसमें रहे। तो घटनाकारित हो सकती है आक्रोशवश, लेकिन ये नहीं हो सकता कि साहब हम धरना प्रदर्शन बहुत धरना प्रदर्शन में तो आपको आप चाहते भी है कि हमारी पब्लिसिटी हो, हमारा आक्रोश जनता के बीच में, वो तो मान लेते हैं, लेकिन जब ऐसे हालात होते हैं, मैं तब की बात कर रहा हूं। ऐसे हालात देखिए, आपको स्वीकार करना पड़ेगा एक संभाव से कि इन हालातों में व्यक्ति की मना स्थिति बिल्कुल बिगड़ जाती है, ना वो अधिवक्ता रहता है, ना वो पुलिस वाला रहता है, ना ही वो किसी व्यक्ति विशेष दल का, उसे कुछ समझ में नहीं आता, वो एक पब्लिक का आक्रोश कहलाता है, क्योंकि वो झगड़ा हो गया तो हो गया, तो अब कोई लाठी चला तो रहा है, कोई गुम्मा चला रहा है। मिश्रा जी, मैं आपकी एडवाइजरी माने कि आप जब भी आप लोगों के झगड़े हो किसी से भी हो, तो अपने प्रेस क्लब के माध्यम से अपने साथियों से कह दें कि वहाँ रिपोर्टिंग करने मत जाए।
नहीं नहीं अगर ऐसा करेंगे तो ये तो फिर लोकतंत्र तो की फिर बताए, विचारधारा के अरे विरुद्ध है। वहां जा रहे तो पिट रहे, नहीं और नहीं आप कह रहे हैं कि ये तो गुस्सा है और क्या किया जाए फिर वो समय। नहीं गुस्सा गुस्सा है किया नहीं जाए। जी मैंने ये कहा अभी पिछली 2 मिनट पहले कि चिन्हित हो अथवा ना हो, इस तरीके की घटनाओं पे पुनरावृत्ति ना हो, तो हर जिला हर जिले की जो प्रेस क्लब है उसको ये चाहिए इस आशय के पत्र काउंसिल को लिखे लिखे और ठीक एक एक ठोस आदेश मैं आपके चैनल के माध्यम से कह के जा रहा हूँ कि एक ठोस निर्देश पहुंचेगा जिला बार में, और अगर फिर भी ऐसी किसी प्रकरण पे कोई व्यक्ति पाया जाएगा तो उसके खिलाफ व्यवस्था से अनुशासन पर कार्रवाई की जाएगी। आप इसको यकीन मानिए। चलिए हम यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि यह भी होता है कि कुछ लोग काले कोट का दुरुपयोग भी कर रहे हैं। जैसे आप बार बार कह रहे हैं कि उसमें वकील नहीं होते, कुछ दूसरे लोग होते हैं, इस संबंध में कई बार आवाज़ भी उठी है और उनको चिन्हित करने का काम भी हुआ, लेकिन उसका क्या हुआ इस पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। कुछ खुशियां ऐसी होती हैं जिन्हें पाया नहीं बस महसूस किया जाता है। आपकी फिटनेस भी कुछ यही कहानी कहती है। हम जोश से सिर्फ बातें ही नहीं करते, उसे दिल से महसूस भी करते हैं। अब हर पन्ना खुलेगा फिटनेस के सीक्रेट्स का, और कदम कदम पर मिलेंगे अनमोल फिटनेस मंत्रास, साथ में धड़कनों को काबू करने वाली रिलैक्सिंग एक्सरसाइज, वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट्स के साथ वर्ल्ड क्लास ट्रेनर्स जो आपकी फिटनेस को दें एक नई दिशा आपकी जरूरत के अनुसार। तो अपनी नई पहचान बनाने के लिए आज ही ज्वाइन करें भारत की अत्याधुनिक अपकमिंग फिटनेस चेन रेट्रो जिम, के ब्लॉक किडवाई नगर कानपुर। धन्वंतरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दक्षिण कानपुर का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, CGHS, QCI और NAPH द्वारा प्रमाणित, दक्षिण कानपुर में सभी तरह के विशेषज्ञों से सुसज्जित एकमात्र सुपर स्पेशलिटी OPD, राउंड द क्लॉक क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट द्वारा कवरेज एवं अत्याधुनिक मशीनों से लैस ICU, कानपुर के एकमात्र विश्व स्तरीय सुपर स्पेशलिटी फुली SS मॉड्यूलर OT, सभी प्रकार के कैंसर का विश्व स्तरीय इलाज। क्या आप प्रोस्टेट का ऑपरेशन कराने जा रहे हैं या गंभीर मूत्र विकारों से परेशान हैं? प्रोस्टेट लीवर किडनी विकार में पूर्ण लाभदायक अस्थिलारल कैप्सूल्स। Samford Futuristic Gate of the School Auraya urgently require PGT, PRT, TGT, Mother Teacher, Receptionist, Counselor, Dance, Music Teacher, Nurse, Accountant, cum Administrator, Librarian, Accommodation Facility with Handsome Salary. Interview on 7th and 8th November 2019 from 10 a.m. to 2 p.m. For any inquiry, call at 7217894339. Samford, Bhagavatipur, NS2, Kanpur Road, Auraya. शहर में पहली बार त्योहारों के मौके पर भारी डिस्काउंट की बौछार, करवा चौथ, दीपावली एवं छठ पूजा पर श्रीलगन साड़ीज दे रहा है अप टू 50% डिस्काउंट, वैवाहिक लहंगे व साइड लहंगों पर फ्लैट 30-50% डिस्काउंट, साथ ही अपने ग्राहकों के लिए विशेष उपहार, प्रत्येक 10,000 की खरीद पर सियाराम पैंट्स एंड शर्ट जिसकी MRP 667 रुपए बिल्कुल फ्री। जल्द आए श्रीलगन साड़ी दर्शनपुरवा वतिलक नगर कानपुर। सन सिटी उन्नाव बालाजी रोड झांसी, एक अनोखी सोच, 2 BHK, 3 BHK विलास और प्लॉट्स 800 से 2000 स्क्वायर फीट तक, शानदार डुप्लेक्स भी। सन सिटी आपके सपनों की दुनिया, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, स्कूल, प्लेग्राउंड, मॉडर्न क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, 24 आवर CCTV कैमरा, सिक्योरिटी, पावर बैकअप, फुल टाइम वाटर सप्लाई, साथ ही साथ ICICI HDFC बैंक से फाइनेंस की सुविधा। बुकिंग के लिए संपर्क करें
मेट्रो टावर, जीवन शाह, एलाइट चौराहा, झांसी। क्या माँ को भरी दोपहर में बच्चों का इंतजार करना पड़ता है? क्या पापा लोगों को सर्दी की सुबह में बच्चों के साथ स्कूल बस का इंतजार करना पड़ता है, जिससे बच्चे बीमार हो जाते हैं? क्या महीने में 2 से 3 बार आपके बच्चे की बस ट्रैफिक में फंस जाती है, या फिर किसी कारण से बस रास्ते में फंस जाती है और आपको कोई अपडेट नहीं होता, न कोई जानकारी होती है? अब इन सभी समस्याओं से आपको छुटकारा दिलाएगा ट्रैकश्योर। प्रोवाइड्स यू सॉल्यूशन नेक्स्ट टू रियल टाइम ट्रैकिंग के साथ है ट्रैकश्योर। किसी भी एक्स्ट्रा डिवाइस की जरूरत नहीं है वैन या बस में। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी गूगल API का इस्तेमाल करते हैं हम। SOS बटन फॉर इमरजेंसी कॉलिंग टू ट्रांसपोर्ट इन चार्ज। ट्रैफिक अलर्ट नोटिफिकेशन यदि स्कूल बस 5 मिनट भी देरी से आए, स्कूल पहुंचने का और स्कूल से निकलने का नोटिफिकेशन आएगा। ट्रैकश्योर है अब गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, 30 जून 2019 से पहले बंद हुए 10K सेटअप बॉक्स को चालू कराएं मात्र 700 रुपए में और पाएं 4 महीने का सिल्वर पैक बिल्कुल मुफ्त। तो देर किस बात की, आज ही अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। आप देख रहे हैं JMD न्यूज। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं अपने बार काउंसिल के को-चेयर बैंड से और खास तौर से वकील और पुलिस के संघर्ष पर। मिश्रा जी, एक बात मैं और जानना चाहता हूँ। अगर आप हालात देखिए तो ये जो वकील और पुलिस का संघर्ष तो खैर होता ही रहता है। आपके वकील लोग भीड़ लगा करके कभी प्रशासन के अधिकारी किया, कभी तहसीलदार किया, कहीं पर SDM किया, तो बवाल करते ही हैं। बल्कि बहुधा जजों के चैम्बर में पहुंच जाते हैं, जजों की कोर्ट में पहुंच जाते हैं और वहां इतना हो हल्ला शोर शराबा दबाव डालते हैं कि ताकि उनके अनुकूल ही फैसला हो। और आपको इसका ताज़ा उदाहरण बता दें कि जब कल ही दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई इस मामले की हो रही थी, वकीलों ने इतना ज़्यादा शोर शराबा किया, नारेबाजी की कि मुख्य न्यायाधीश को कोर्ट छोड़ करके जाना पड़ा और उन्होंने कहा ठीक हम जा रहे हैं। ये सब क्या है, इसे आप किस रूप में देख रहे हैं? अच्छा देखिए, ये जो भी आपने कहा कि मेरा काम हो और दबाव बना के काम किया जाए, ये पूरी तरह से ठीक नहीं है। क्योंकि कोई भी एडवोकेट अपने काम के लिए जाता है, पक्ष और विपक्ष दोनों अपने मुवक्किल के लिए जाता है, उस पर जो भी प्रोसीजर है वो काम करता है। जहाँ कहीं किसी अधिवक्ता का निजी बातचीत होती है, निजी मैटर होता है, वहाँ पर ये देखा गया है कि उसके समर्थन में लोग अधिवक्तागण संगी साथी या बार के पदाधिकारी जाते हैं, लेकिन काम के उद्देश्य से जाते हैं। हो हल्ला और जिला मैं तो मैंने व्यक्तिगत नहीं देखा कि कोई हो हल्ला या कभी कोई घटनाएं घटी हैं तो कोई इसके पीछे कोई घटना थी, कोई विवाद हो सकता है, लेकिन न्यायपालिका के समय जब प्रोसीजर है, प्रोसीजरेबल काम चल रहा है, अदालत बैठी हुई है, इस तरीके का कभी हल्ला गुल्ला नहीं होता। नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट का नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट का उदाहरण बिल्कुल ठीक दे दिया, लेकिन देखिए ना, मैंने बताया उसके पीछे घटना छिपी हुई है। रोज तो ऐसा नहीं होता, दिल्ली हाई कोर्ट की घटना है, नहीं पर ही तो ये लोग करते हैं घटना। भाई हर मामले में तो जाते नहीं है। नहीं, अभी आपने कहा ना काम हो, तो काम के लिए अभी आप कन्नौज का जिक्र कर रहे थे, वही लेखपाल का विवाद था। तो ये जो वकीलों का जो स्वरूप है, तो ये क्या आप न्याय संगत मानते हैं क्या? नहीं देखिए, न्याय संगत घटना भी नहीं है। हाँ जी, अगर घटना न्याय संगत हो तो ये विचार विवाद ही क्यों हो। अगर घटना न्याय संगत नहीं है तो निश्चित रूप से आक्रोश जन्म लेगा और इस तरीके का शोर शराबा होता है, लेकिन ये प्रायः नहीं है।
मैंने फिर कहा कि ये जो दिल्ली का अभी आपने उदाहरण बताया, तो इसके पीछे इतना बड़ा विवाद है और उस विवाद के पीछे एक बड़ा एरिया छिपा है। दिल्ली बड़ी है, उसमें 5 जिले हैं, 5 जिलों के गलत नहीं है। हाँ। अनुशासनहीनता हो सकती है। हाँ, चलिए अनुशासनहीनता, लेकिन लेकिन कोर्ट की अवमानना भी हो सकती है। सकारण जी, ये सकारण है, जानबूझकर नहीं की गई। अब पुलिस वालों ने प्रदर्शन किया, हजारों लोग एकत्रित हुए दिल्ली में, तो ये भी अनुशासनहीनता है। वो ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैंने तो उनका पक्ष नहीं लिया। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर वकील साहबान ये सब कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये भी तो एक गलत कार्य है, और इसको गलत कार्य के रूप में स्वीकार करना चाहिए। देखिए, गलत कार्य के रूप में हम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए कि जैसे एक उदाहरण देता हूँ, कानपुर नगर की लीजिए। कानपुर नगर वैसे ही माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, वैसे ही माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय, तो जो हमारा जिला जज है, तो ये एक प्रथा है, कल्चर है कि बार और बेंच का संरक्षक है। अब अधिवक्ता गणों को कोई समस्या है, किसी घटना की वजह से है या किसी विवाद की वजह से है, तो अभी देखिए कि जो ये पिछले दिनों घटना घटी, इसमें पदाधिकारी गण गए और अखबार में भी छपा कि जिला जज की मध्यस्थता से। हाँ, ये बिल्कुल। तो जिला जज हमारा संरक्षक है, तो अगर हमारे परिवार का कोई संरक्षक है, हमारा गार्जियन है, तो अधिवक्ता गण जा रहे हैं उद्देश्यात्मक उस विषय के लिए, उस विषय के लिए, यही दिल्ली उच्च न्यायालय का। न्यायिक न्यायिक कार्य में जब सुनवाई हो रही हो, जब दो पक्षों, गृह मंत्रालय अपनी अर्जी लगा रहा हो, और उस समय ये बात करना, देखिए वो तो एक ये कि आपकी प्रॉब्लम है, आप डिस्ट्रिक्ट जज से कहिए, प्रशासनिक जज से कहिए, ये आपको पूरा अधिकार है। लेकिन अगर आप एक जुडिशरी कार्य हो रहा है उस समय अगर करेंगे, तब तो देखिए जुडिशियल वर्क में हम हो, कोई हो, कोई अधिवक्ता हो, कोई अफसर हो, इस तरीके का शोरगुल बर्दाश्त नहीं किया जाता। ये हमारे कल्चर में नहीं, हमारी न्यायिक संस्कृति में नहीं है। इसके लिए माननीय उच्च न्यायालय स्वतंत्र है, और अगर वो पाएगी तो कार्रवाई करेगी। ये बहुत अच्छी बात। एक बात मैं आपसे और जानना चाहता हूँ, अक्सर जब विवाद होते हैं, जब बहस होती है, कहा यह जा रहा है कि वकील का बेस में, माने उनके कोट को पहन करके, बिल्डर्स, राजनेता और अन्य अन्य कार्यों में काम करने वाले लोग ही अपनी नेतागिरी या अपने स्वार्थों की पूर्ति करते हैं कालों को, और ये वही लोग हैं जो ऐसे मौके पर सबसे पहले आ जाते हैं और इस तरीके को उपद्रव करते हैं। आज इन्हीं लोगों का बार एसोसिएशन हो, चाहे लार्ज एसोसिएशन हो, उसमें कब्जा होता चला जा रहा है। बल्कि जो पेशेवर हैं, जो सीनियर्स हैं, उन्होंने तो मुंह मोड़ लिया है ऐसी एसोसिएशन से, और वो लाखों रुपए ऐसे लोग चुनाव में खर्च करते हैं। और आपको एक भी जानकारी दे दें कि ये जो उपद्रव होते हैं ना, तो ये देख लीजिए कि पता लगे कि बार एसोसिएशन का चुनाव होने जा रहा है, लैर्स का, तो ये जितने दावेदार होते यही सब उपद्रव करते हैं। क्या इस विषय पर आपने सोचा? बल्कि मेरी जानकारी के अनुसार कई बार ये हुआ कि इन्हें चिन्हित किया जाए, बार काउंसिल के आदेश है, लेकिन सब कुछ फाइलों में रहता, कुछ होता नहीं है और समस्याएं बढ़ती जा रही है। देखिए, व्यवहारिक रूप से मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि पिछले 2 दशकों में जी बहुत तेजी से बार एसोसिएशन के चुनावों में जो भाग लेने वालों की संख्या बढ़ी है, या उसके पीछे कोई उद्देश्य छिपा हुआ है, कहीं ना कहीं काले कोट से काम लेने की प्रवृत्ति बनी है। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ कि काले कोट की आड़ में, लेकिन ये संख्या गिनतियों में है, लेकिन ये बहुतायत बहुतायत नहीं है, ये मालूम है, लेकिन यही लोग तो हावी होते हैं, जो आप बार बार कह रहे हैं ना कि आप ये जानिए कि आक्रोश है और ये वकील नहीं है, तो यही लोग तो ये सब करते हैं, यही तो आपके पैसे को बर्बाद कर रहे हैं और बदनाम कर रहे हैं। देखिए, ना तो इस पवित्र पेशे को कोई बदनाम कर पाएगा, ना अपमानित कर पाएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग जो है अधिवक्ता गणों का, वो प्रैक्टिशनर है। आज भी चाहे कानपुर नगर हो, चाहे हमारा प्रदेश हो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि
कुछ अधिवक्तागण, अब जैसे तमाम राजनेता हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, बार एसोसिएशन में वोट डालने आते हैं, लायर्स में वोट डालने आते हैं और उसके बाद समाप्त, तो कहीं ना कहीं हमारी एसोसिएशन से लाभ ले रहे हैं, एसोसिएशन को कुछ दे नहीं रहे। अगर इस तरीके की घटनाएं अभी जो कारित हुई हैं तो आपने देखा कि, और हर दल में है, हर राजनीतिक दल के कुछ लोग ऐसे हैं जो एडवोकेट हैं, लेकिन चूंकि संवैधानिक व्यवस्था ऐसी है कि आप किसी को पढ़ने से या प्रोफेशन से या डिग्री लेने से रोक नहीं सकते। मैं फिर कह रहा हूं, इस तरीके के लोगों पर रोक निश्चित रूप से लगेगी अगर जिले की संस्थाएं पत्राचार इस विषय पे बार काउंसिल से करेंगी तो उन लोगों को चिन्हित करके पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। ये मेरा आपके चैनल के माध्यम से स्टेटमेंट मानिए, कथन मानिए या आश्वासन मानिए। तो ये तो आज आप मान ही रहे हैं कि इन्हीं लोगों के कारण, ये अपने धन बल के कारण इतने आगे रहते हैं कि जो पेशेवर या सीनियर जो अधिवक्ता है वो हाशिए पर चले गए। देखिए, सीनियर और पेशेवर जो अधिवक्ता हैं, इस पे अंकुश लगाने की तैयारी हो रही है। जो चुनावों में नाजायज पैसा खर्चा कर रहे हैं हमारे अधिवक्ता साथी, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। मॉडल बाइलाज भी ऐसा कहता है। मॉडल बाइलाज तो आपका है, लेकिन कहाँ पालन होता है? नहीं पाल, मैं तो खुद देखिए, गलत बात को सही मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इसमें ये विचार, अब ये भी देखिए कि धीरे धीरे जो प्रैक्टिशनर अधिवक्ता है वो जाग रहा है, धीरे धीरे संस्थाओं में आने वाले लोगों की अगर किसी चीज की गिरावट हुई है तो अब देखिए उसमें सुधारात्मक रवैया धीरे धीरे लोगों की सोच में बदलने लगा। आप दूसरे अधिवक्तागणों से कभी चर्चा करेंगे तो ये लोगों के मन में रहता है कि नहीं भाई, अपना एसोसिएशन का जो नेता है वो प्रैक्टिशनर होना चाहिए, हमारे बीच का होना चाहिए। देखिए, संस्था की साख हम ही से है, और जिसको संस्था की साख की चिंता नहीं है वह हमारे लिए और समाज के लिए कार्य नहीं कर पाएगा। और इसी प्रकरण पे कई बार विवाद हो जाते हैं, लेकिन इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ कि विवाद का जन्म, फिर मैं बता रहा हूँ, विवाद का जो जन्म है कभी भी प्रशासन से और अधिवक्तागणों के मध्य, वो सामान्य प्रक्रिया के तहत बहुत सी छोटी बातों पर होता है। और उन अधिवक्तागणों के व्यक्तिगत विवाद हो सकते हैं जमीनों को लेके, मुकदमों को लेके, उससे एसोसिएशन का और काउंसिल से कोई लेना देना नहीं। एक बार ये भी हुआ था कि आप लोगों ने ये कोशिश की थी और इस बात की प्रक्रिया भी शुरू हुई थी कि ये देखा जाए कि एक साल में किस वकील ने कितने वकालतनामे लगाए हैं जी, और उसी आधार पर उनको चुनाव लड़ने और वोट देने का अधिकार देने की बातचीत हुई थी। क्या हुआ उस प्रक्रिया का? कुछ ठंडे बस्ते में चली गई कुछ कारणों से? नहीं, ठंडे बस्ते में नहीं चली गई। तो ये बताइए, वो एक्चुअली में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपने रूल्स में अमेंडमेंट करके, पूरे भारतवर्ष की बात है, एक व्यवस्था ये लागू की कि प्रत्येक अधिवक्ता को हर 5 वर्ष में ये बताना पड़ेगा कि वो प्रैक्टिशनर है अथवा नहीं है। और अगर वो, उसका एक क्राइटेरिया बनाया गया कि जो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार 31/12/17 तक सर्टिफिकेट जारी किए गए, तो 31/12/17 तक पूरे प्रदेश में जिन जिन अधिवक्तागणों ने अपने प्रैक्टिशनर होने का प्रमाण दिया उनको हमने सूची में रखा। और ये स्थिति लागू होते ही लगभग 1.5 लाख अधिवक्तागण सूची से पूरे प्रदेश में हट गए। जो संख्या हमारी लगभग 4 लाख से ऊपर थी वो 2.5 लाख 2.75 लाख के बीच में आ गई। और चूंकि उसके बाद काउंसिल का गठन अभी 9 जून को हुआ है और इस पर पुनः पत्राचार शुरू होने के बाद बहुत ही जल्दी ही शीघ्र ही 10-15-20 दिन में ये व्यवस्था पुनः लागू हो जाएगी और जो प्रैक्टिशनर हैं उनको ये बताना पड़ेगा। उनको प्रोविजनल सर्टिफिकेट 5-5 साल के लिए जारी हो रहे हैं, और जो प्रैक्टिशनर नहीं है उनका बार काउंसिल उनके प्रमाण पत्रों को अपनी सूची से हटा रही है। ये जो आपने 1.5 लाख की बात की है कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, इनको हटा दिया गया है, क्या आप बता सकते हैं कि कितने लोग ऐसे हैं जो जिन्हें कानपुर में आप बाहर कर दिया गया हो? ऐसी कोई संख्या? नहीं, संख्या है निश्चित रूप से। देखिए, मैं बताऊं, अभी बाहर नहीं किए गए, ये बताइए। नहीं, अभी बाहर नहीं किए गए, सूची बन गई है, अभी इनको बाहर करने की प्रक्रिया नहीं शुरू हुई। नहीं, 31/12/17 का मैं आंकड़ा बता, हाँ, वही मैं उसी की बात बता। 31/12/17 तक लगभग 8,000 वकील कानपुर में बार काउंसिल की सूची में है। हाँ, 8,000 तक 8,000 हैं। उसके बाद उनको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जारी हुआ है,
और उसके बाद जो नहीं है, जो नहीं बनवा पाए हैं, उसके लिए प्रक्रिया चल रही है। वो अपना लेट फीस देकर या अन्य, उसका एक एक स्लैब है पूरा, वो संबंधित बार एसोसिएशन को भेजा जाएगा और वो जो बनना चाहे बनेंगे। क्योंकि 31/12/17 तक का था, अब ये प्रक्रिया जो 5 वर्ष तक के लिए है, उन्हीं सारे अधिवक्तागणों को 31/12/22 के बाद फिर विद इन ए मंथ टू मंथ अपना प्रमाण देना पड़ेगा कि वो प्रैक्टिस में है अथवा नहीं, नहीं है। और नहीं होंगे तो उनको आप बाहर कर देंगे। हाँ हाँ बिल्कुल कर देंगे। उनको उनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा तो नहीं कि जैसे आपने एक बार किया फिर नहीं, 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 नहीं। ऐसा नहीं हो, वो रूल नहीं। वो एडवोकेट रोल से जो स्टेट का एडवोकेट, प्रदेश उत्तर प्रदेश का जो एडवोकेट रोल है उसके उससे ही वो नाम हटा दिया जाता है। तो चलिए हम देखेंगे किस दिशा में कितना अच्छा। हमारे ख्याल से अगर आप ये कर देंगे तो जैसे आप भी बता रहे हैं कि कोट पहन करके नेता लोग आ जाते हैं, मैंने भी आपसे वही बात की, उसको आपने स्वीकार भी किया, शायद कुछ स्थितियां बदले। अंत में मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा, केवल अंत में, कि ये जितने सब विवाद हो रहे हैं इसका अब हल क्या है, क्या करना चाहिए जिससे कि भविष्य में अब ऐसी पुनरावृत्ति ना हो। देखिए, इसका बहुत सामान्य वैचारिक हल हो सकता है कि मैं आपको बताऊं, ये मेरा व्यक्तिगत विचार के साथ, मैं मुझे लगता है कि मेरा व्यक्तिगत विचार नहीं है और ये उन प्रैक्टिशनर एडवोकेट का विचार है और प्रदेश के देश के सभी अधिवक्तागणों का विचार यही है कि केंद्र सरकार को एडवोकेट एक्ट में संशोधन करना पड़ेगा और एडवोकेट एक्ट में संशोधन में ये जोड़ना पड़ेगा कि प्रत्येक प्रांत की सरकार एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को संबंधित प्रदेश की काउंसिल के साथ बैठकर तय करे और जिला वाइज कमेटी बनाए। अब एक एक उदाहरण ले लीजिए कि एक विवाद हुआ या होते रहे, एक जिले में एक पुलिस प्रशासन का, एक जिला प्रशासन का अधिकारी और एल्डर्स कमेटी के 3 वरिष्ठ अधिवक्ता अगर हो, कोई भी घटना होती, मैं कहता हूँ एक पुलिस से विवाद हुआ, जिला प्रशासन से विवाद हुआ, लेखपाल से हुआ, वकील से हुआ, तो वो विवाद पहले वो कमेटी सुने, उस कमेटी की रिपोर्ट पर ही फर्दर कार्रवाई हो। अगर वकील दोषी पाया गया तो बार काउंसिल को लिखे, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करें, जिला प्रशासन का पाया गया तो डीएम साहब उसको देखें सुने, सस्पेंड करें, टर्मिनेट करें, पुलिस प्रशासन का पाया गया तो कप्तान, एडीजी वगैरह वगैरह सुने। तो इस तरीके की जब तक कमेटियां प्रदेश सरकार गठित करने में योजना नहीं बनाएगी, इस तरीके की घटनाएं होती रहेंगी, होती रहेंगी। और अगर ये कमेटी जिस दिन बन गई तो उस दिन आप यकीन मानिए कि जो फुटेज आप देख रहे हैं, बार बार दिखा रहे हैं, ये फुटेज बरसों बरस लगेंगे दोबारा देखने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे ढंग से वास्तविकता को भी स्वीकारा और उसका हल भी बताया। निश्चित रूप से 2-3 बातें तो हैं कि जब भी विवाद हो तो उच्च अधिकारियों को गंभीरता से लेना चाहिए। अगर मान लीजिए कानपुर में कोई घटना हुई थी, अगर उच्च अधिकारी पहुंचते शायद ये स्थिति नहीं होती। दूसरी बात, जो एक सुझाव आया है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू कर दिया जाए, साथ में जो एक कमेटी बनाने की बात हुई है कि जिसमें बार के भी लोग हों, सीनियर वकील हों, प्रशासन के भी लोग हों, जुडिशरी के लोग भी हों, और अगर ये करें और जो ऐसे विवाद हैं उनका तुरंत निर्णय ले और निर्णय ले करके उस पर कार्रवाई हो तो शायद ये समस्या खड़ी नहीं होगी। बिल्कुल। अगर एक और आप एडवोकेट प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं तो पुलिस ने भी पुलिस प्रोटेक्शन एक्ट की मांग शुरू कर दी है। देखना है सरकार क्या करती है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि ये समस्या का निदान स्थायी रूप से हो जाना चाहिए ताकि वादकारी का हित सर्वोच्च बना रहे। देखते रहिए जेएमडी न्यूज। नमस्कार।